बड़े बड़े कंजूस देखे, लेकिन तुम्हारे जैसा कंजूस नहीं देखा। अपनी खुशियां भी नहीं शेयर करते हो? क्या मतलब? अच्छा, तो फिर मुझे बताया क्यों नहीं कि उस हादसे के बाद खुशी तुम्हारे घर में किस रूप में आई है? ओहो, वो बेटी हुई है। बेटा नहीं हुआ। वो अक्सर लोगों की ख्वाहिश होती है ना कि उनकी पहली औलाद बेटा हो। बेटी की ख्वाहिश कोई नहीं करता, लेकिन पता है, एक बाप को बेटी से ज्यादा कोई प्यार नहीं करता। लेकिन बाप भी तो एक मर्द ही है ना, और मर्द से जो प्यार करता है उसको वो लोग अच्छे ही नहीं लगते। तभी तो देखो ना, बेटी को पराया पराया कहकर एक दिन उसको पराए घर भेज देता है। मगर ऐसा तो होना होता है। लंबी बहस है, इसमें नहीं पड़ते। ठहरे हुए वक्त को जो लोग धक्का लगाते हैं ना, वो थक जाते हैं, और जो लोग वक्त से तेज चलते हैं, वक्त उन्हीं का पीछा करता है। तुम एक बात बताओ, तुमने कभी मुझसे मेरे बारे में नहीं पूछा? मैंने तुम्हें अपने बारे में बताया भी तो नहीं। तो वो तो मैंने नहीं पूछा। क्या करेंगे एक दूसरे के बारे में और जान के? जितना जानते हैं उतना काफी है। जब कोई जिंदगी में आता है ना, चाहे मैसेज ही क्यों ना हो, डिस्टर्ब जरूर करता है। नहीं, वो बच्ची को फीवर हो रहा है, मेडिसिन मंगवाइए। मैं चलता हूँ। ओके, ठीक है, उसका ख्याल रखना, सुबह मिलते हैं। तुम्हें रास्ते में ड्रॉप नहीं करना? छोड़ने वाले बहुत दुख देते हैं। मैं चली जाऊंगी। चाय का बिल। देखिए फना पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।